तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिटी होती है तुम हो, आइडेंटिटी है हूँ। इसका सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव रूल्स क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आस और आई के साथ हम एम लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इस आर एम प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक नाउन। ऑब्जेक्ट आएगा या नाउन आएगा? तो एग्जांपल दिया है वह बहुत गरीब है, वह बहुत गरीब है। तो वह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, बहुत क्या हो गया, क्या हो गया एडजेक्टिव, गरीब क्या हो गया, वह बहुत गरीब है, गरीब ही एडजेक्टिव है। सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। तो यहाँ पे नाउन दिया है, ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट ही। अब हम ब्लू वाला मार्कर ले लेते हैं अपने, अभी सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। ही इज बहुत है, बहुत को बोलते हैं वेरी। ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर, फुल स्टॉप के साथ इसका एंड कर देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं। फुल स्टॉप बहुत ही जरूरी है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। फुल स्टॉप, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक फुल स्टॉप लगाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह एक ईमानदार अधिकारी है, वह एक ईमानदार अधिकारी है। तो वह ही, वह क्या है सब्जेक्ट है, ईमानदार, ईमानदार क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये एक ईमानदार ये पूरा एडजेक्टिव हो गया। अधिकारी क्या हो गया, नाउन हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया? तो वह एक ईमानदार अधिकारी, तो ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। आइए हम थर्ड एग्जांपल पर चलते हैं, बच्चे शैतान होते हैं। तो बच्चे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, शैतान हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस आर नॉटी, चिल्ड्रंस आर नॉटी। एक चिल्ड्रन नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। चिल्ड्रंस आर नॉटी, चिल्ड्रंस आर नॉटी, चिल्ड्रंस आर naughty, children's are naughty। शक्कर मीठी होती है, तो लिखेंगे sugar is sweet, sugar is sweet, sugar is sweet। तो सबसे पहले क्या पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव रूल लिया था, अफर्मेटिव रूल में हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ और आई के साथ हम एम लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर ये बनता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। और इसके एग्जाम्पल लिए थे कि वह बहुत गरीब है, ही इज वेरी पुअर, वह एक ईमानदार अधिकारी है, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, बच्चे शैतान होते हैं, चिल्ड्रंस आर नॉटी, फोर्थ शक्कर मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। अब दूसरा रूल लेंगे नेगेटिव रूल, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। नेगेटिव में क्या है, नॉट आएगा मतलब नहीं आएगा, जब बच्चे से होता नहीं है, वो भूखा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, बच्चे शैतान नहीं है, बच्चे शैतान नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रंस आर नॉट naughty, children are not naughty। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, वे अच्छे खिलाड़ी नहीं, तो लिखेंगे दे प्लूरल है, तो आर नॉट, दे आर नॉट अ, दे आर नॉट अ गुड प्लेयर, दे आर नॉट
गुड प्लेयर, दे आर नॉट गुड प्लेयर. फुलस्टॉप. मोहन गरीब नहीं है. मोहन आर नॉट पुअर. मोहन आर नॉट पुअर. मोहन आर नॉट पुअर. मोहन गरीब नहीं है. बच्चे भूखे नहीं हैं. तो क्या लिखेंगे? चिल्ड्रंस आर नॉट हंग्री. चिल्ड्रंस आर नॉट हंग्री. चिल्ड्रन कैसे हैं? भूखे नहीं हैं. ठीक है. अफर हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रेजेंट सिंपल, अफर्मेटिव रूल पढ़ लिया, नेगेटिव रूल पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव रूल. तो इंटरोगेटिव रूल में हम सबसे पहले फर्स्ट इंटरोगेटिव पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंटरोगेटिव. फर्स्ट इंटरोगेटिव में क्या आएगा? क्या जब क्या आगे आ जाए पहले तो होगा फर्स्ट इंटरोगेटिव. जब क्या बीच में आए सेंटेंस के हिंदी में तो वो सेकेंड इंटरोगेटिव बनेगा. इतना ध्यान रखें, कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे. तो इसका स्ट्रक्चर है इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क सब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है. इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सब क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ए सेंटेंस दैट कैन आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं. फर्स्ट इंटरोगेटिव की बात करते हैं. फर्स्ट इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या ऑब्लिक प्लस क्वेश्चन. और एग्जाम्पल, क्या वह एक राजा नहीं है? क्या वह एक राजा नहीं है? तो वह ही है तो इसका क्या रहेगा? इज ही नॉट अ किंग? इज ही नॉट अ किंग? इज ही नॉट अ किंग? लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इज ही नॉट अ किंग? इज ही नॉट अ किंग? क्या पुजारी मंदिर में नहीं है? क्या पुजारी मंदिर में नहीं है? तो पुजारी को हिंदी में बोलते प्रिस्ट. प्रिस्ट इज प्रिस्ट प्रिस्ट आर नॉट गलत हो गया इज प्रिस्ट नॉट इन टेम्पल. नॉट इन टेम्पल. क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है? इज ही नॉट अ गुड बॉय? इज ही नॉट अ गुड बॉय? इज प्रिस्ट नॉट इन टेम्पल या नॉट इन द टेम्पल? अब हम बात करेंगे सेकेंड इंटरोगेटिव. सेकेंड इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड आती है. डब्ल्यू एच वर्ड को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं या इंट्रोवर्ड भी कहते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज आर एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट कंपल्सरी प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसका रूल क्या है? ऐसे वाक्यों में डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव के शब्द प्रश्न के रूप में आते हैं. इन्हीं डब्ल्यू एच वर्ड को इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं. अब हम सेकंड इंटरोगेटिव की बात करते हैं. सेकंड इंटरोगेटिव का रूल क्या? ऐसे वाक्यों में डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव के शब्द प्रश्न के रूप में आते हैं. इन्हीं डब्ल्यू एच वर्ड को इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं. इसलिए अंग्रेजी में वाक्य बनाते समय इन डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है तथा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है. क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है. डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब इसे डब्ल्यू एच फैमिली भी कह सकते हैं. जिसमें व्हाट When, why, who, where, whom, whose, which, how much, how many, how long, how far. What means क्या? When means कब? Why means क्यों? Who means कौन? Where means कहाँ? Who means किसको या किस पे? Whose मतलब किसका या किसके? Which का मतलब है कौन सा या कौन सी? How कैसा कैसी कैसे? हाउ मच कितना कितनी कितने? हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है. हाउ मेनी कितना कितनी कितने काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है. हाउ लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है. केवल काउंट काय के लिए? टाइम के लिए यूज होता है हाउ लॉन्ग. हाउ फार कितना कितनी केवल दूरी के लिए डिस्टेंस के लिए. ओनली वैलिड फॉर डिस्टेंस ओनली वैलिड फॉर टाइम. अब बात करते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में दिया है तुम कौन हो? तो तुम कौन हो? हु आर यू?
आर यू, हु मीन्स कौन, हु आर यू, वे आज कहाँ है, वे आज कहाँ है, वेयर आर दे टुडे, वेयर आर दे टुडे, आज आप किसके साथ हो, आज आप किसके साथ हो, आज आप, अब थर्ड एग्जांपल है, आज आप किसके साथ हो, तो हु किसका, किसकी मतलब हु, आर यू टुगेदर विथ टुडे, आज आप किसके साथ हो, हु आर यू टुगेदर विथ टुडे, उनका क्या विचार है, क्या मतलब व्हाट, इज देयर ओपिनियन, व्हाट इज देयर ओपिनियन, व्हाट इज देयर ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स होता है विचार, ओपिनियन, व्हाट इज देयर ओपिनियन एंड विथ क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट किया है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल, फिर उसके बाद कैन देयर का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनेट और फिर फ्यूचर, पास्ट कंप्लीट करेंगे फिर फ्यूचर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी डिटेल वीडियो है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर